बेलगाम कोरोना पर सरकार लगातार एक्शन में है। कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। पीएम ने आज पंजाब, बिहार, कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की, कोरोना के हालातों की समीक्षा की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में कहर बनकर बरस रही है। कोरोना से लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की स्थिति जानने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना की दूसरी लहर से हो रही तबाही से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में पीएम को बताया। इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी है। बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इलाज में मुश्किल हो रही है। राज्य में हॉस्पिटल बेड की काफी कमी है और ज्यादा मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पीएम ने राज्य में इलाज के संसाधनों, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड वगैरह के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को रिकवरी रेट, कोरोना कर्फ्यू, अस्थायी कोविड अस्पताल, जन जागरूकता मुहिम, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यकीन दिलाया कि केंद्र सरकार मुश्किल की इस घड़ी में हर संभव मदद करेगी। दरअसल कोरोना वायरस से निपटने की अपनी कोशिश में लगे पीएम मोदी लगातार देश भर के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। देश भर में जारी कोरोना वायरस के खतरनाक प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी फोन पर बात की थी और कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने तमिलनाडु के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की। इससे पहले शुक्रवार को भी पीएम मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की। गुरुवार को पीएम मोदी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से बातचीत का यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़।